हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLR.in। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट रहा है, तो उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट BLR स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर UPSC एग्जाम्स और नॉट। जो भी BLR के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर UPSC की जो परीक्षा है उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हम BLR यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हम UPSC में अप्लाई कर पाएंगे या फिर उसकी प्रिपरेशन आगे हम कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके पहले गाइस, अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, देन डेफिनेटली चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट। सिंपली यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई बैचलर डिग्री लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू फिल और अप्लाई इन UPSC। रेस्ट हम यहाँ पर और देखते हैं जो कि डाउट्स रहते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मैंडेटरी कर दें कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स सब्जेक्ट से एक्सेट्रा से ही होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। उसको भी हम यहाँ पर आगे देखते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग मेंशंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जहाँ पर लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आगे, कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो जहाँ पर आप IAS पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सिंपली आपका जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन UPSC एग्जामिनेशन। हम नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट नीचे देख लेते हैं कि जैसे जो पोस्ट है आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स हैव बैचलर डिग्री एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस बॉटनी केमिस्ट्री जियोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपकी इन पर्टिकुलर स्ट्रीम से आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं BLR की तो ओवरऑल उसका बेस हम एजुकेशन मान कर चलते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे तो सारे मोड्स लिखे हुए हैं, बट आप देख सकते हैं इसी तरीके से जब आप प्रॉपर नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे देन वहाँ पर आप पाएंगे कि अलग अलग आपकी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बट फॉर बीइंग एन IAS पोस्ट यू कैन अप्लाई फॉर UPSC एग्जामिनेशन एज इट इज़ क्लियरली रिटन कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम दी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आई थिंक आई दिस डाउट इज़ नाउ क्लियर। और अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है देन आप यहाँ पर पूरा ही जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर पाएंगे। इफ़ यू नीड द फुल नोटिफिकेशन देन आप हमको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अदर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मेंशन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेस्ट ये जो टॉपिक था UPSC से रिलेटेड या फिर BLR डिग्री एजुकेशन ग्रेजुएशन डिग्री है या नहीं, तो आपको आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। इफ़ कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड आफ्टर BLR उन्होंने UPSC के लिए अप्लाई किया हो, देन रियली वी वॉन्ट टू टॉक टू यू। नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वी वुड रिक्वेस्ट कि आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें सो दैट सारे ही स्टूडेंट से हम आपका एक इंटरव्यू ले सकें या फिर आपसे बात करके स्टूडेंट्स तक आपके मैसेज पहुँचा सकें। सो दिस वॉज द वीडियो, इसको शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।